एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक जहांगीराबाद में स्थित सांखनी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 35 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने आरिफ अब्बास को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 14,000 की आबादी एवं 7800 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 1100 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 155 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंप रिमोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 250 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 20 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75 इज्जत घरों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास व 2 लोहिया आवासों का निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, कब्रिस्तान की बाउंड्री, इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। हमारा जहांगीराबाद थाना जहांगीराबाद तहसील अनुपसर, हमारे गांव में अभी काफ़ी काम की ज़रूरत है। नाले वगैरह, लाइट वगैरह, डस्टबिन वगैरह और काफ़ी रोड अभी और ख़राब है। कुछ खंभों की भी ज़रूरत है। ट्रांसफार्म हमारे गांव में जितने कनेक्शन है उसके हिसाब से नहीं है और जो जंगल का पानी आता है वो गांव में को आता है। डगरे जो है वो गांव में के लिए है, पानी के लिए वो कामों के लिए नल वगैरह भी, कुछ नलों की भी ज़रूरत है। हॉस्पिटल इतना बड़ा गांव है, हमारे गांव में कुछ भी ऐसा वो नहीं है। 3 मकान, 2 मुख्यमंत्री योजना से, प्रधानमंत्री योजना से दिया गया। इस गांव की आबादी जो है 15-16 हज़ार की हो तो उसमें कुछ जो गरीबी नहीं है। इतने तो कम से कम देने चाहिए कि भाई अगर 10 मकान, 100 मकान दिए हमने तो 10 तो कम से कम आने चाहिए। मानदेय 10,000 रुपये तो कम से कम होना चाहिए, जबकि अधिकारी भी आते हैं और काफ़ी लोग आते हैं, गांव के जिम्मेदार लोग भी आते हैं, जिन लोगों को आदमी भाई चाय को, ठंडे को और किसी भी चीज़ को पूछता है। तो कम से कम 10,000 रुपये तो होने चाहिए। 10,000 रुपये से कम क्या वो है, 300 रुपये पड़ते हैं लगभग डेली के। तो 300 रुपये आदमी अपने घर पे खर्च नहीं कर सकता जो बाहर के लोग आते हैं।